क्या लगता है कि ये हमारा जो झांसी का ब्रिज है वो जो है वो हावड़ा ब्रिज से कंपेयर कर रहे हैं? 1920 है, 1920 का फर्क है, 1920 का फर्क है, 1920 का फर्क है, या फिर फर्क है इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। ये जल्दी जल्दी में देखो, मैं दो चप्पलें पहनकर आ गया हूँ, एक ब्लैक कलर की एक ब्लू कलर की। गोडाउन आने की इतनी जल्दी थी मुझे कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं कौन से कलर की चप्पल पहनाऊँ, मतलब कौन सी चप्पलें पहनाऊँ। एक अलग अलग स्लीपर्स मैंने पहन ली हैं। सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट यूजुअल अक्षय दीक्षित। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आज सैटरडे है, तो आज मंदिर जा रहे हैं और फिलहाल मंदिर से मैं वापस आ गया हूँ और अब जा रहा हूँ साइट पर। हाँ, अगर झांसी में किसी को प्लॉट वगैरह खरीदने हैं तो मेरी अपनी पर्सनल साइट है, तो प्लॉट वगैरह वो ले सकते हैं। और नियरेस्ट यानी इन द सेंटर ऑफ द सिटी भी है और सिटी के बाहर भी है, तो अगर किसी को झांसी के अंदर चाहिए तो ही कैन कॉन्टेक्ट मी एंड टेक्स्ट। फिलहाल ये वाली जो साइट है वो मेरी आवास विकास में है, यहाँ पर जहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है। और यहाँ पे कई सारे प्लॉट्स हैं जो कि अलग अलग सूटेबल रेट पे हैं। भाई, आपका अगर बिजनेस है, और बिजनेस का मतलब यह होता है कि आपको खुद ध्यान देना है कि उसमें क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, आपका स्टाफ आए या ना आए, आपको खुद करना पड़ेगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और मैं तो स्टाफ के साथ साथ कंपनी से भी बहुत परेशान हूँ भाई। गजब है ऐसी कंपनी, मैं क्या बताऊं। तो ये एक बेनिफिट है ट्रैफिक के अंदर ऑटोमेटिक कार का, कि आप बड़े रिलैक्स होके गाड़ी चला सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है क्लच की, ब्रेक की, एक्सीलेटर की, एक ही पैर से आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं अपने सुपर के पास। सुपर मतलब बाइट लगाना मैं भूल गया था। सुपर का मतलब है जो जिनको हमने अपनी जिसको हमने अपनी झांसी की डीलरशिप दी है, यानी नमकीन की जो डीलरशिप होती है वो हमने दी हुई है, वो उसके पास माल पहुंच गया है, उसको कुछ कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन क्लियर कराने के लिए मैं जा रहा हूँ। मैं सुपर साहब का पहला लॉट निकल रहा है, ये कितने का है? 35,000 का, 35,000 का पहला माल। तो भाई, हमारे इस पुल को बहुत सारे लोग जो है वो हावड़ा ब्रिज से कंपेयर कर रहे हैं, ये तो कि ये जो ब्रिज जो हमारा बना हुआ है, ये हावड़ा ब्रिज बना है। क्या लगता है कि ये हमारा जो झांसी का ब्रिज है वो हावड़ा ब्रिज जैसा है, कुछ 1920 है, या फिर 1920 का ही तो फर्क है बस। 1920 का फर्क है, 1920 का फर्क है, 1920 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। तो भाई, अभी हमारी गाड़ी जो है वो 11% पे चार्ज पहुंच चुकी है और रेंज दिखाना बंद कर दिया है। 11% की परसेंटेज ऑफ बैटरी बची है इसमें, रेंज पे जो चार्जिंग 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 बता रहा है। तो फिलहाल अभी मेरी गाड़ी जो 11% है उस पे एसी बढ़िया काम कर रहा है, एसी में कोई दिक्कत नहीं है। अब 10% होने में पता लगेगा कि गाड़ी की हाल क्या होगा, गाड़ी का हाल क्या होगा ये 10% होने में पता लगेगा। तो फिलहाल तो अभी कोई 10% हुई नहीं है,
कूलिंग वगैरह बढ़िया चल रही है, फैन चल रहा है, साउंड वगैरह बिल्कुल बज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं 10% होने पे मेरा एसी बंद होता है या नहीं। तो अभी 10% होने पर यहाँ पर एक दो साइन आ गए हैं, एक कछुए की चाल वाला आ गया है और ये चार्जिंग का आ गया है। और एसी मेरा अभी भी चल रहा है, पर इसमें अभी जो कूलिंग जो है वो, जो गाड़ी की जो कूलिंग होती है वो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि ये बैटरी में, बैटरी को ठंडी करने के लिए ट्रांसफर हो गई है वो कूलिंग, अब शायद बंद हो गई है, पता नहीं, थोड़ा एकदम कूलर जैसी हवा आ रही है, ठंडी नहीं लग रही है। 10% हो चुकी है मेरी बैटरी, अब देखते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर कम करके देखते हैं। शायद एसी बंद हो गया है, 10% होने पे गाड़ी का एसी एकदम बंद हो जाता है, शायद ठंडक नहीं आ रही है अब। पर हाँ, फैन चालू है, गाड़ी का फैन मेरा चालू है और एसी बंद हो चुका है। चलो, चार्जिंग पॉइंट ज्यादा दूर नहीं है, मैं जाके गाड़ी को चार्ज कर लेता हूँ। गाड़ी का एसी जैसा मैंने बोला था कि पूरी तरीके से बंद हो चुका है, सिर्फ फैन चालू है और गाड़ी की स्पीड पे अभी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा है। 40 की स्पीड पे अभी भी गाड़ी चल रही है, 42 चल रही है, 45 चल रही है, 46 चल रही है, 50 भी जा रही है, यानी 10% पे मेरी 50 जा रही है। पर हाँ, उसके बाद 52 हो गई, 51 हो गई, 52 हो गई, 51, 52 के ऊपर मैं पूरा थ्रॉटल दबाया हुआ हूँ, पूरा दबा हुआ है, पर इसके ऊपर नहीं जा रही है। यानी 10% पे आपकी 51, 52 की स्पीड पे गाड़ी चल सकती है, पर इतनी तेज गाड़ी ना चलाए तो ज्यादा अच्छा है, वही बेनिफिट है। पर उसके अलावा ये है, उसके अलावा ये है कि गाड़ी को टाइम से चार्ज करते रहें, वरना इतनी गर्मी विदाउट एसी वाट लग जाएगी। तो अभी मैं गाड़ी का एसी जो है वो बंद कर देता हूँ, गाड़ी के कांच को खोल देता हूँ। इस पंखे से ज्यादा बाहर की हवा बहुत अच्छी है, अंदर पंखे की वजह से बहुत गर्मी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ टेक केयर, बाय, सी यू। वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक करें, शेयर करें।